अपने जॉन सीना ने रोमन रेंस को समर स्लैम 2021 के लिए चैलेंज किया। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जॉन सीना ने रोमन रेंस को चैलेंज कर कर एक बहुत बड़ी चीज अपने लाइफ के अंदर पूरे WWE की हिस्ट्री के अंदर पहली बार की। तो भाई क्या जॉन सीना ने वो बड़ी थिंग की है, इसके बारे में बात करने वाले। साथ ही में किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट भी WWE लाने वाले है वापस। आने वाले रॉ के लिए भी WWE ने बड़ा चीज कर दी ऑफिशियल। और भाई समर स्लैम के लिए भी एक न्यू मेगा मैच हो चुका ऑफिशियल। तो भाई बहुत सारी अपडेट्स के बारे में वीडियो को कवर करने वाले, वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। और भाई चैनल अपने तो गाइस आपको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखने करते सबसे पहले गाइस आप सभी को 15 अगस्त की हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको शुभकामनाएं। और भाई यहाँ पर से इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे इंडिया के अंदर है गाइस यहाँ पर से यूरो स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर आया था गाइस रैम्पेज का शो, जो कि था कैनी ओमेगा वर्सेस क्रिश्चियन केज के मैच के बारे में बात करूँ तो भाई ये था फॉर द TNT चैंपियनशिप। तो भाई काफ़ी बढ़िया ये मैच था। कल भी ये जो है मतलब ये कल हुआ था और भाई आज जो है एरॉन के हाईलाइट्स थे इसके। और भाई यहाँ पर से यूरो स्पोर्ट्स के ऊपर आपने देखा या फिर नहीं देखा आप मुझे कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हो। लेकिन गाइस एट द एंड इस मैच के अंदर अपने क्रिश्चियन केज ने काफ़ी बढ़िया एक खतरनाक डिलीवर मैच किया। और भाई मैच के एंडिंग के अंदर अपने जो क्रिश्चियन केज हैं वो इस मैच के अंदर स्टील चेयर के ऊपर अपना फिनिशर लगा देते हैं। और भाई मैच के एंडिंग के अंदर वो बन जाते हैं TNT चैंपियन। तो भाई काफ़ी बड़ी चीज़ थी। और भाई हम लोग क्रिश्चियन केज को कॉन्ग्रेचुलेट कर लेते हैं। और भाई यहाँ पर काफ़ी बढ़िया चीज़ थी और भाई मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए इसलिए शेयर की। और गाइस हम लोग बढ़ लेते हैं आज के हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी इस बार समर स्लैम 2021 के बारे में, जिसके लिए WWE ने एक नया मैच कर दिया है ऑफिशियल। और भाई यहाँ पर से इस पेपर व्यू के अंदर होने वाला है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस अपने मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल के बीच। और भाई ये मैच WWE ने खुद से ऑफिशियल कर दिया। और भाई इस मैच खत्म होने के बाद WWE ने इस मैच को अनाउंस कर दिया। और भाई यहाँ पर से फिलहाल मैच होने वाले समर स्लैम के लिए देख लेते हैं इसका होता है मंडे नाइट रॉ से फिलहाल मैच अनाउंस हो चुका है। तो भाई आप कितने एक्साइटेड हो, अगर पंजाबी प्रिजन होता है तो भाई काफ़ी बड़े मैच के अंदर मजा आने वाला है। लेकिन गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और भाई वीडियो के नेक्स्ट अपडेट जुड़ेवानी है नेक्स्ट के मंडे नाइट रॉ के लिए, जिसके लिए WWE ने एक नया सेगमेंट ऑफिशियल कर दिया। जहाँ पर सबसे पहले WWE ने मैच एडवर्टाइज किया वो गए जहाँ पर अपने ड्रू मैकइंटायर वर्सेस वीरेन शैंक के बीच 2-on-1 हैंडीकैप मैच का ये रीमैच होने वाला है। तो भाई देख लेते क्या होता है। और नेक्स्ट शो के ऊपर होने वाले अपने गाइस रैंडी ऑर्टन वर्सेस ओमोस के बीच एक सिंगल्स मैच, जो कि भाई आपस से पिछले हफ्ते भी हमको दिखाई नहीं दिया। तो भाई ओमोस को फेस करने वाले हैं। लेकिन जो बड़ा सेगमेंट होने वाला है वो होने वाला है गाइस अपने गोल्डबर्ग एंड बॉबी लैशली को देकर। और भाई गोल्डबर्ग वापस आने वाले फिर एक बार और भाई वो कन्फ्रंट करने वाले हैं बॉबी लैशली। और भाई इन दोनों का फाइनल समर स्लैम से पहले फेस ऑफ होने वाला है रॉ के ऊपर। तो भाई काफी बड़ी चीज होने वाली, तो देख लेते क्या होता है मंडे नाइट रॉ के अंदर। लेकिन गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस अपने द नेचर बॉय रिक फ्लेयर के अपडेट के साथ में। और भाई रिक फ्लेयर भी AEW कंपनी के साथ हो सकते हैं ज्वाइंट। तो देखो रिक फ्लेयर को WWE ने रिलीज कर दिया था, मैंने आपको बताया था कैसे उन्होंने खुद से डिमांड की कि उनको कंपनी से रिलीज चाहिए। और अभी फिलहाल इसके ऊपर एक नई अपडेट आ चुकी है कि भाई फिलहाल माना ऐसा जा रहा है कि भाई जो रिक फ्लेयर है वो बहुत ज्यादा क्लोज है AEW के। और भाई मे भी बहुत जल्द वो जो है कॉन्ट्रैक्ट भी हमें जो साइन करते हुए दिखा दे सकते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर। तो भाई देख लेते क्या अपने जो रिक फ्लेयर है क्या वो AEW के अंदर जाते हैं या फिर नहीं, वैसे गाइस देख लेते क्या होता है रिक फ्लेयर का AEW के अंदर। और क्या अपना जो लास्ट रन है वो क्या AEW के अंदर लेते या फिर नहीं। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात कर लेते किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के बारे में, जो कि आने वाले समय के अंदर होने वाला है ऑफिशियल। भाई यहां पर से फिलहाल ये सारी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। और भाई एंड्रो ज़ारिंग की ओर से फिलहाल ये अपडेट आ चुकी है। और भाई उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि भाई WWE में भी अक्टूबर के अंदर इसे ऑफिशियल हमें करवाते हुए दिखाई देने वाले। क्वीन ऑफ द रिंग भी होगा और किंग ऑफ द रिंग भी होने वाला है, क्योंकि भाई यहां बस फिलहाल अपने जो करंट किंग है वो अपने किंग नाकामुरा और भाई नाकामुरा के पास अभी फिलहाल चैंपियनशिप है। तो इसलिए WWE जो आने वाले समय के अंदर इसलिए फिलहाल ये चीज एडवर्टाइज करने वाली है। तो भाई देख लेते क्या होता है। और भाई इसका भी जो एंड है वो सऊदी अरेबिया की पेपर व्यू के अंदर होने वाले, तो भाई देख लेते क्या होता है। लेकिन क्या अगर हम लोग बात कर लेते गाइस आपने आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी गई थी इस बार स्मैकडाउन के ऑफ जाने के बाद जहाँ पर हमें मैच दिखा देता है द उसोस एंड रोमन रेंस वर्सेस द मिस्टीरियस एंड अपने जॉन सीना के बीच। स्टिल ये भी मैच हमें फिर एक बार दिखाया जाए, ज्यादा कुछ मैच के बारे में बात नहीं करेंगे। और भाई मैच के एंडिंग के अंदर अपनी जो रोमन रेंस है उनकी टीम हार जाती है और भाई जॉन सीना उसको पिन कर इस मैच के अंदर अपनी टीम के लिए विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट गाइस अब हम लोग बात करते गाइस एक शॉकिंग अपने ब्रे वायट के न्यू लुक के बारे में, जो कि रिसेंटली उनका रिवील हो चुका है। और भाई अपने जो ब्रे वायट है उनका सोशल मीडिया के ऊपर न्यू लुक हो चुका है। और भाई मैं खुद हैरान हो गया ब्रे वायट का नया लुक देखकर। आप एक फोटो देख सकते हो जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और भाई फैन के साथ फिलहाल ब्रे वायट है। और भाई देख लेना पहले, और भाई ब्रे वायट पूरे अपने क्लीन शेव के अंदर है भाई,
दाढ़ी मूछे ब्रेवैट ने एकदम से हटा ली और भाई यहाँ पर सिर्फ फिलहाल ये नया और अलग लुक फिलहाल अपने ब्रेवैट के। बट क्या होता है ब्रेवैट का फ्यूचर ये तो हम बता नहीं सकते, बट लेट्स ये छोटी सी अपडेट थी। लेकिन गाइस फाइनल अपडेट की मैं बात करूँ वीडियो की, जो कि वीडियो इस बार अपने गाइस जॉन सीना के बारे में। और भाई जॉन सीना ने भी रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम के अंदर चैलेंज करने के साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कर लिया है, रिकॉर्ड या फिर बहुत बड़ी अचीवमेंट या फिर एक थिंग की है वो जॉन सीना ने अपने करियर के अंदर। वैसे रिकॉर्ड नहीं है, मैं गलत बोल गया वैसे वीडियो के अंदर। तो देखो जॉन सीना ने रोमन रेंस को चैलेंज किया और भाई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और भाई जॉन सीना ने अपने पूरे WWE के करियर के अंदर पहली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया। तो भाई यहाँ पर सिर्फ फिलहाल एक बड़ी न्यूज लेकर सामने आ रही कि भाई जॉन सीना ने अपने पूरे WWE के करियर के अंदर पहली बार ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए जो है यहाँ पर से चैलेंज किया। तो भाई देख लेते क्या होता है समर स्लैम के अंदर। और भाई क्या अपने जो जॉन सीना है क्या वो इस मैच के अंदर अपने रोमन रेंस को हरा देते हैं और भाई क्या वो नए यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं, देख लेते हैं लेट्स सी क्या होता है समर स्लैम के अंदर। लेकिन गाइस आज की हमारी वीडियो बस यही तक थी। गाइस आपको हमारी आज की ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर सकते हो लाइक कर सकते हो, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल कॉन ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलते हैं। आज की वीडियो बस इतनी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।